आज वंशकार युवा संगठन समिति के द्वारा जोन प्रभारी को ज्ञापन के माध्यम से अपनी 3 सूत्री मांगे सौंपी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही जानकारी देते हुए संगठन के सदस्यों ने बताया कि सिद्ध बाबा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं यहाँ के रहवासियों को नहीं मिल रही है, जिससे यहाँ के रहवासी खासे परेशान है। तो वहीं कुछ ही दिनों में बरसात भी शुरू होने वाली है, जिससे क्षेत्र की नाली नाले साफ नहीं होने के कारण जलभराव की स्थिति निर्मित हो जाएगी, जिससे यहाँ के रहवासियों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में 50 नालियां हैं जिनकी सफाई आज तक नहीं हुई है, जिसके चलते और भी कई मांगों की मांग आज ज्ञापन के माध्यम से की गई। सरकार संगठन समिति की तरफ से सिद्ध बाबा वार्ड अंतर्गत जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो शासन की तरफ से हमें मुहैया नहीं कराई जा रही, आज युवा वंशकार संगठन समिति ने जोन क्रमांक 9 में आकर जोन प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए 3 सूत्री मांगों को लेकर उनसे निवेदन के साथ ये कहा है कि क्षेत्र में बाढ़ में टंकी होने के उपरांत आज भी क्षेत्र में पानी की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्षेत्र में बड़ी नाली नर्दों को मिलाकर 30 नाली और नाले हैं उसमें। आज महामारी को देखते हुए बारिश का मौसम शुरू होने के उपरांत भी प्रशासन किसी भी प्रकार से वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं कर रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे क्षेत्र में वंशकार समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसी